गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? यू ऑल आर गुड? सो चिल्ड्रेन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लिटरेसी सब्जेक्ट. ओके, इन द लास्ट सेशन वी हैव लर्न हाउ टू राइट अपर केस एंड लोअर केस अल्फाबेट एच, एच फॉर हॉर्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द फोनिक साउंड, वी आर गोइंग टू लर्न द फोनिक सॉन्ग, and I will be narrating a alphabet H story, short story. Okay, but before starting with the session, get ready for the prayer children. So children, join your hands and repeat the prayer along with me. Guru Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwarah, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. वन मोर टाइम चिल्ड्रेन. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. सो चिल्ड्रेन, दिस इज द अल्फाबेट एच. वी आर गोइंग टू लर्न द साउंड ऑफ एच, बट बिफोर दैट यू ऑल हैव प्रैक्टिस हाउ टू राइट अल्फाबेट एच एंड इवन यू ऑल हैव लर्न द वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम एच इन योर लिटरेसी स्किल शीट बुक. सो अभी हम देखेंगे कि आपको आज कौन से बुक में प्रैक्टिस करना है. ओके, सो चिल्ड्रेन, दिस इज योर ब्राउन कवर कैपिटल एंड स्मॉल लेटर बुक. ओके, इन दिस बुक यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस द अल्फाबेट एच, अपर केस एंड लोअर केस. आपने अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ एंड जी ये बुक में भी प्रैक्टिस किया है ना. सो टुडे यू विल प्रैक्टिस अल्फाबेट एच इन दिस बुक. ओके, सो चिल्ड्रेन, दिस इज योर पेज नंबर 25 इन ब्राउन कवर कैपिटल एंड स्मॉल लेटर बुक 2525. इन दिस पेज यू हैव टू प्रैक्टिस अपर केस यानी कैपिटल लेटर एच. वी ऑल नो हाउ टू राइट, राइट? हमने प्रैक्टिस किया था लिटरेसी स्किल शीट बुक में. सो इन द सेम वे यू विल प्रैक्टिस लेटर एच. एच फॉर हैन, एच फॉर हैट इन पेज नंबर 25. ओके, देन व्हेन यू टर्न द पेज, द नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 26. इस पेज में हम क्या करेंगे, लोअर केस यानी स्मॉल लेटर एच प्रैक्टिस करेंगे. एच फॉर हट, एच फॉर हॉर्स. पेज के ऊपर आप देख सकते हो छोटे छोटे पिक्चर्स दिए हैं, वो अल्फाबेट से शुरू होने वाले पिक्चर्स दिए हैं. आपको लिखते वक्त आपको रीड भी करना है वर्ड्स. ओके, देन द नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 27, जिसमें आप अपर केस एंड लोअर केस दोनों एक साथ प्रैक्टिस करोगे. ओके चिल्ड्रेन, अंडरस्टूड? इन दिस बुक यू विल प्रैक्टिस पेज नंबर 25 फॉर अपर केस, फॉर 26 फॉर लोअर केस, एंड 27 में आप एक साथ प्रैक्टिस करोगे. ओके, नाउ आई विल टेल यू द साउंड ऑफ एच. सो चिल्ड्रेन, द साउंड ऑफ अल्फाबेट एच इज, लिसन टू द साउंड विच आई एम मेकिंग. मैं जो साउंड कर रही हूँ लिसन केयरफुली. हॉर्स, हैट, हिप्पो, ये साउंड निकलती है ना जब हम हैट बोलते हैं. हैट, हिप्पो, हॉर्स, सो इज द साउंड ऑफ एच. ओके चिल्ड्रेन, अंडरस्टूड? इज द साउंड ऑफ एच. नाउ द सॉन्ग ऑफ एच, प्रोसीड टू द सॉन्ग ऑफ एच. ओके, सी, दिस इज द फोनिक सॉन्ग ऑफ एच. सो हाउ विल यू से, हिप्पोस इन द रिवर, हिप्पोस इन द रिवर, हिप्पोस इन द रिवर, दैट्स देयर वे, दैट्स वेयर दे लाइक टू बी. ओके चिल्ड्रेन, वंस अगेन, सी, इस स्क्रीन पे अप साइड में आप देख सकते हो एक्शन. कीप योर पाम इन फ्रंट ऑफ योर माउथ एंड फील द एयर
coming out saying okay, ऐसे आपको बोलना है. यू हैव टू कीप योर पाम इन फ्रंट ऑफ योर माउथ. देन यू कैन गेट द साउंड ऑफ एच. अंडरस्टूड चिल्ड्रेन? हिप्पोस इन द रिवर, हिप्पोस इन द रिवर, हिप्पोस इन द रिवर, दैट्स वेयर दे लाइक टू बी. यू कैन सी द हिप्पोपोटामस, द बिग एनिमल. आप हिप्पोपोटामस देख रहे हो ना स्क्रीन पे? Hippos. Once again, children. Hippos in the river. Hippos in the river. Hippos in the river. That's where they like to be. Okay, children. जो phonics on का page है ना, उसके right side में ऊपर आप देख सकते हो छोटे से box में आपको action दिया है. Screen पे आप देख सकते हो. वैसे ही action आपको pretend करना है for getting the proper sound. Okay, children. This is the phonics song which you have to learn. And I have even told you what is the sound of H. Okay? Now, I will tell you a short story using the words starting with the alphabet H. Okay, children? So, children, the name of the story is Horse from the Hills. Horse. Horse. H for horse. H for hills. You can see the horse animal. H for horse. Yes, I'm going to tell you a story of the horse. Hobo. Hobo. The baby horse. You can see the baby horse on the screen. The baby horse name is Hobo. Baby horse ka naam kya tha? Hobo lives in a house in the hills. जैसे आप अपने घर में रहते हो ना, वैसे ही hobo baby horse अपने घर में रहता था. और उसका घर कहाँ था? In the hills. ये जो red hut दिख रहा है ना आपको, red house, उसके पीछे जो green part, green mountain जैसा है, उसे हम कहते हैं hills. Okay? Hobo, the baby horse, lives in a house in the hills. He wears a green hat. जो आप हैट देख रहे हो ना उसके सिर पे ग्रीन कलर का, उसे हम क्या कहते हैं? हैट. Baby horse, जिसका नाम Hobo था, he wears a green hat. He helps everyone. मैंने आपको क्या सिखाया था? डैट यू हैव टू हेल्प अदर्स, राइट? जैसे आप दूसरों की हेल्प करते हो ना, वैसे ही होबो यानी कि बेबी हॉर्स सबकी हेल्प करता था. वन डे हेनरी द हैन. यू कैन सी द हैन ऑन द स्क्रीन? यस. इसका नाम क्या था? हेनरी. हेनरी द हैन कम्स टू हिम. और क्या बोलती है वो हॉर्स को? क्या बोलती है? हेल्प, हेल्प, ऐसे वो चिल्ला रही थी. ही सेज हम्प्टी द हिप्पो. हिप्पोपोटामस मैंने अभी एनिमल दिखाया था ना आपको. हेनरी चिल्ला चिल्ला के आई हॉर्स के पास, हैन की हेल्प, हेल्प. और जब हॉर्स ने उसे पूछा व्हाट हैपन हेनरी, देन हेनरी सेड हम्प्टी द हिप्पो. हिप्पोपोटामस का नाम था हम्प्टी एंड हैरी द हेयर. जो छोटा सा रैबिट था उसका नाम था हेयर. दे आर फाइटिंग. यू कैन सी द बिग हिप्पोपोटामस एंड द हेयर. यस, दे बोथ आर फाइटिंग. फाइटिंग करना बहुत बुरी बात है ना. हेनरी यानी कि हैन हॉर्स के पास दौड़ती हुई गई और बोली हेल्प, हेल्प. हिप्पोपोटामस एंड हेयर दे बोथ आर फाइटिंग. होबो रन्स टू फाइंड देम. जैसे ही हेनरी ने बेबी हॉर्स यानी होबो को बताया, तभी होबो दौड़ते हुए उन्हें ढूंढने गया. प्लीज डू नॉट फाइट, ही सेज. बेबी हॉर्स यानी कि होबो ने हिप्पोपोटामस और हेयर जो एक दूसरे से फाइटिंग कर रहे थे उनको बोला प्लीज डू नॉट फाइट,
हम्प्टी एंड हैरी स्टॉप फाइटिंग। हिप्पोपोटामस और हैरी यानी कि हम्प्टी एंड हैरी जैसे ही बेबी हॉर्स ने मना किया वैसे ही उन लोगों ने फाइटिंग करना बंद कर दिया। एंड शेक हैंड्स, एक दूसरे से उन्होंने हाथ मिलाया। वाई? बिकॉज फाइटिंग करना बहुत बुरी बात है। हम जब दूसरों की हेल्प करते हैं ना वो अच्छी बात होती है। जैसे हॉर्स ने उन दोनों की फाइटिंग रोका, दे हैव टोल्ड डैम, हॉर्स हैड टोल्ड डैम दैट दे शुड नॉट फाइट, सो दे हैव स्टॉप फाइटिंग। फाइटिंग करना बुरी बात है, दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात है। ओके, सो दे शेक हैंड्स, दे हैव स्टॉप फाइटिंग, दे हैव शेक हैंड्स एंड दे गो बैक होम एज फ्रेंड्स, राइट? वो दोनों फिर फ्रेंड्स हो गए और दोनों घर चले गए। सो चिल्ड्रेन, वॉट डू यू हैव लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? यू हैव टू हेल्प अदर्स एंड यू शुड नॉट फाइट। ओके, यू शुड नॉट फाइट। नाउ लेट्स रिकॉल द वर्ड्स यूजिंग द अल्फाबेट एच। आई हैव यूज द वर्ड हॉर्स, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हाउस। हॉर्स अपने हाउस में रहता था एंड वेयर वर द हाउस? हिल्स, एच फॉर हिल्स, एच फॉर हैट। होबो यानी कि हॉर्स ग्रीन हैट पहनता था, एच फॉर हैट, एच फॉर हैन। यू कैन सी द हैन? एच फॉर हैन, एच फॉर हिप्पो। यू कैन सी द एनिमल हिप्पो? एच फॉर हिप्पो, एच फॉर हेयर, एच फॉर हेयर, एच फॉर हैंड। दे बोथ स्टॉप फाइटिंग एंड शेक हैंड्स विद ईच अदर, राइट? एच फॉर हैंड। ओके चिल्ड्रेन, ऑल दीज वर्ड्स आई हैव यूज्ड विद द लेटर एच टू टेल अ शॉर्ट स्टोरी। और मैं स्टोरी इसलिए बोलती हूँ ताकि उसमें एक छोटा मोरल होता है जिससे आप सीखते हो। आज आपने क्या सीखा? दैट यू शुड हेल्प ईच अदर बट यू शुड नॉट फाइट विद ईच अदर। ओके चिल्ड्रेन, आई होप यू ऑल एन्जॉय दिस वीडियो। बट वन मोर थिंग, प्रैक्टिस अल्फाबेट एच इन ब्राउन कवर कैपिटल एंड स्मॉल लेटर बुक एंड प्रैक्टिस द साउंड एंड फोनिक सॉन्ग ऑफ एच। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।